कथा कहना के अधिकार ब्राह्मणों को ही है कि कोई भी कह सकता है? कथा कहने का अधिकार सतयुग त्रेता द्वापर से ब्राह्मणों को ही बताया है। हाँ। अभी तक 28 व्यास बदल चुके हैं। हाँ। कोई वैसा व्यास नहीं आया है। कैसा अब जी मैं कह रहा हूँ। हाँ। समझ लीजिए आप, कैसा व्यास केवल जेंट्स ही आए हैं। हाँ। लेडीज का कोई रोल नहीं रहा है। हाँ। और जनादला इस समय हूँ राजा भैया पाल, इस समय आ चुका हूँ अयोध्या धाम में, जहाँ पर लक्ष्मण घाट पर इस समय मौजूद है, जहाँ पर सरजू मैया के साक्षात दर्शन आप कर पा रहे हैं। और आज सरजू मैया की महिमा जानने के लिए हमारे बीच में देश के सुप्रसिद्ध कथा व्यास के रूप में सुरेश कुमार शास्त्री मिठवाली वृंदावन धाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सरजू मैया की क्या महिमा है और सरजू मैया कहाँ से निकली? ये सरजू मैया मानसरोवर से निकली हुई हैं। जब जो है वशिष्ठ जी महाराज ने तपस्या की है, उस समय तपस्या के द्वारा वहाँ भगवान नारायण ने नृत्य किया है, उनके आंसू निकले हैं। हाँ। उनके आंसू से और ये जो है सरयू का प्राकट हुआ है। यहाँ मंदिर सरयू के पावन तट पर हजारों ऋषि महर्षि रहते हैं। इस पावन तट को मैं प्रणाम करता हूँ, जो यहाँ की भूमि को प्रणाम करता हूँ कि यहाँ के लोग धन्य हैं जो अवधपुरी में निवास कर रहे हैं। इस अयोध्या नगरी को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु जी आप ये बताएं, सरजू मैया में जो व्यक्ति स्नान करता है तो उस किस प्रकार से उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? उसके पाप दूर हो जाते हैं, जो सरयू में स्नान करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं, कल्याण हो जाता है, शरीर निरोग हो जाता है। अगर कोई रोगी भी यहाँ आकर के और एक महीने अगर स्नान कर लेता है तो रोगी का रोग दूर हो जाता है। जी महाराज जी, मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस मनुष्य कैसे बना इस धरती पर? मानव जीवन की उत्पत्ति भगवान नारायण के द्वारा, ये स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा ये मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, वहीं से प्रारंभ हुआ है। फिर ब्रह्मा जी ने सभी समस्त सृष्टि का निर्माण किया है, नर बानर पशु पक्षी सभी का निर्माण किया है। और इसके बाद ये जातियों का निर्माण कैसे हुआ महाराज जी? जातियों का निर्माण तो लिखा है कि शुक्ल यजुर्वेद में ब्रह्मणोश मुखमाशीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदैश्यद्वैश्यः पदभ्यां गौं शूद्रो अजायत। यानी ब्राह्मण भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ है। हाँ। और क्षत्रिय भुजाओं से। हाँ। इसके बाद कमर से वैश्य। हाँ। और पैरों से शूद्र। हाँ। इस प्रकार से शरीर के अंग एक ही हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एक ही शरीर के हैं और सभी भगवान के हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से हमारे वेदों में बताया है। किस वेद में लिखा है और किस अध्याय में लिखा हुआ? शुक्ल यजुर्वेद में जो प्रसूत है उसमें लिखा हुआ, प्रसूत में। हाँ। ब्राह्मणोश मुखमाशीद बाहु राजन्यः कृतः। हाँ। उरु तदैश्यद्वैश्यः पदभ्यां गौं शूद्रो अजायत। हाँ। इस प्रकार से जो है शुक्ल यजुर्वेद का ये वाक्य है, ये वेद पाठ है, हम लोग वेद में प्रसूक्त में बोलते हैं। जैसा कि हमारे बीच में इस समय आपकी जनता न्यूज पर सीधा अयोध्या से सुरेश कुमार शास्त्री वृंदावन धाम हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी बड़ी खबर इस बताया है कि वेदों में बताया गया है कि ईश्वर के प्राकट से जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस पर अभी हाल ही में मोहन भागवत जी ने बड़ा बयान दिया है कि ये तो सब आपकी बनाई हुई लीला है, जातियां ब्राह्मणों ने ही बनाई हैं इसी युग में, क्या कहना है आपको? ये किसी की बनाई नहीं होती, अगर बनाई जाते तो चना को गेहूं बना सकते हैं, गेहूं को चना बना सकते हैं, लेकिन कोई जातियों का विभाजन ऐसे कोई कर सकता है? हमारे वेद शास्त्र कहते हैं इस मामले में कि वेद शास्त्र के अनुसार ही जातियों का विभाजन है। हाँ, जब शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है भगवान के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र, लेकिन भगवान के एक ही शरीर से ये निकले हुए हैं तो सभी की पूजा होती है। लोग कहते हैं
कि मंदिर में नहीं जाने देते हैं लोगों को, तो इसका कारण क्या है? पहले हम लोगों को मैं तो नहीं दिया जाता, पहले सबसे पहले तो मूर्ति कौन बनाते हैं सभी लोग जानते हैं, मिस्त्री कारीगर लोग। इसके बाद फिर धन की आवश्यकता होती है तो वैश्य की जरूरत पड़ती है, इसके बाद में रक्षा की जरूरत पड़ती है तब जो है क्षत्रियों की आवश्यकता होती है, इसके बाद में वेद वाक्य करने के लिए फिर ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमारी ये जाति का जो है विभाजन। मोहन प्रकाश जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं उनका स्वागत करता हूं, जो भी उन्होंने कहा है मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जैसा उन्होंने कहा है उसको भी हम नहीं कहते कि भाई नहीं ऐसा। तो आप मानते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई है? नहीं नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा जाति बनाई नहीं है, ब्राह्मण अगर बना लेते तो सब कुछ बना सकते। मोहन भागवत जी पर अमल आप कैसे कर सकती हैं फिर? अब उनके विचार हैं, उनके विचारों को हम क्या कह सकते हैं, कैसे विचार कहाँ से क्या किया है उन्होंने, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। उनके विचारों को वही व्यक्त करेंगे कि इस प्रकार से कहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई हैं। जी, तो यहाँ पर मोहन भागवत जी पर एक तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है। उन्होंने कहा है किस वेद में, किस पुराण में लिखा है कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई हैं, और जहाँ तक है ब्राह्मणों की बात जो उत्पत्ति हुई है वो तो उन्होंने बताया है कि वेद शास्त्रों से हुई है, और किनको क्या जिम्मेदारी सौंपी है ये शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र बनाए किसने हैं? शास्त्र तो सब ऋषि मुनियों के बनाए हुए हैं। ऋषि मुनि कोई यही नहीं है कि ब्राह्मण जाति के ही हों ऋषि मुनि, सभी क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी ऋषि मुनियों का बनाया हुआ ये सारा काम है। हाँ। और ऋषि मुनियों से ही सारी उत्पत्ति हुई हम लोगों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की। अच्छा, ये बताइए ब्राह्मण कौन होता है, ब्राह्मण की क्या परिभाषा है? देखो ब्राह्मण जो होता है, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाला होता है। तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले वही ब्राह्मण है कि जो वेदों को जान ले वही वो ब्राह्मण? जो वेदों को जानता है, वेद मर्मज्ञ हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। अच्छा, कथा कहना के अधिकार ब्राह्मणों को ही है कि कोई भी कह सकता है? कथा कहने का अधिकार सतयुग त्रेता द्वापर से ब्राह्मणों को ही बताया है। हाँ। अब जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हाँ। नहीं तो ये जो ब्राह्मण नहीं होते हैं वो कथा कहते हैं, तो उनकी कथा सुनने से लाभ होता कि नहीं मिले, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ तो मिलेगा ही, मतलब कुछ तो। कितना परसेंट मानते हैं? जितना भी परसेंट हो जाए, 10%, 5%, 50%, जितना हो जाए। मतलब 100% की गारंटी नहीं है? नहीं, 100% की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल, आपकी जनता न्यूज का अब तक का सर्वश्रेष्ठ इंटरव्यू आप देख रहे हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कथा व्यास के रूप में हमारे बीच में इस समय जुड़े हुए हैं सुरेश शास्त्री जी, जो कि बता रहे हैं कि कथा कहने का, ज्ञान देने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, और यदि कोई कथा कहता है तो उसका लाभ जितना मिलता है उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ परसेंट यहाँ पर वो दे रहे हैं। मिलेगा, उनको भी मिलेगा लाभ। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे आपसे, जैसा कि मैंने आपकी भागवत कथा में सुना है, मैंने आपकी भागवत सुना वही बोल रहा हूँ, आपने कहा है कि इतने जो कथा व्यास हुए हैं उसमें किसी भी स्त्री ने कथा नहीं कही है। जी, ये 28 व्यासों की कथा। हाँ। ये मेरे पुराण के अंतर्गत है। हाँ। और मैंने बताया भी था कि अभी तक 28 व्यास बदल चुके हैं। हाँ। कोई वैसा व्यास नहीं आया है। कैसा व्यास? अब जी मैं कह रहा हूँ। हाँ। समझ लीजिए आप कैसा व्यास, केवल जेंट्स ही आए हैं। हाँ। लेडीज का कोई रोल नहीं रहा है। हाँ। और अगर हो रहा है, कोई अच्छी तपस्विनी है। हाँ। कोई साध्वी है। हाँ। तो भाई वो भी कथा कह सकती हैं, उसमें भी मैं विरोध नहीं करता हूँ, उनका भी सम्मान करता हूँ कि आप बहुत बहुत धन्यवाद हैं जो आप इस प्रकार से समाज के निर्देश में आप सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है, तपस्वी तेजस्वी आपने कहा है, लेकिन जो आम महिलाएं कथा कह रही हैं, जो कि कोई साध्वी नहीं है, तो उनकी कथा सुनने से लाभ होगा क्या? उनका भी लाभ होगा, कुछ तो कहेंगे ही, और कुछ भी मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब थोड़ा बहुत, 100% तो मिल ही नहीं पाएगा यदि उस स्त्री कोई कथा कह रहा है तो। 100% अगर सुनने वाला होगा तो 100% भी मिल सकता है। 100% सुनने वाला तो जरूरी थोड़ी है कि वो स्त्री है कि पुरुष है, व्यक्ति तो पूरा सुनता है। नहीं, सुनता तो है, लेकिन उसका मनन करना, श्रवण के साथ में मनन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर मनन करोगे तो कल्याण होगा, मनन नहीं करोगे केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है। कलयुग में जिस तरीके से जो संख्या लगातार बढ़ रही है,
नारी शक्तियाँ कथा कह रही हैं, तो उनको कथा कहने का व्यास गद्दी से अधिकार है या नहीं? मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ। वैसे हमारे देवी भागवत में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ। जिसमें घर में नारी का सम्मान होता उस घर में देवता निवास करते हैं, ये हमारे देवी भागवत का ये वाक्य है। लेकिन तो नारी का सम्मान करता हूँ। नारी नारी जिन कहो नारी नर की खान, नारी से सुत उपजे ध्रुप प्रहलाद समान। तो मैं धन्यवाद कहूँगा हमारी जगत जननी मातेश्वरी को। और मैं उन बौद्ध नहीं, मेरा सवाल है आपसे महाराज जी, 28 कथा व्यास हुई अब तक, लेकिन उसमें किस कहीं भी स्त्री का नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? अब ये नहीं कह सकता क्यों नहीं आया। तो आपके किसी वेद पुराण में लिखा है कि महिलाओं को कथा नहीं कहना चाहिए? मैं तो नहीं कह पाऊंगा। वेद में लिखा कि नहीं? वेद तो आपने पढ़े होंगे। नहीं, वेद में तो नहीं लिखा है। हाँ। लेकिन जो है हमारी अरुंधति, सीता, अनुसुईया, सती, सावित्री जैसी माताएं थीं। हाँ। उन्होंने भी कोई ऐसा सिंहासन नहीं संभाला, केवल श्री राम जी ने और श्री कृष्ण जी ने उपदेश किया है केवल मात्र। तो मैं नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो अग्रसर हो रही हैं उनको भी धन्यवाद है, और जिन्होंने कथा व्यास के रूप में कार्य किया है उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। कई बार आप ये ज्ञाता हैं, कई बार हमारा फोन हम पे आता है, महिला कथावास हमसे सवाल करती हैं कि आप पूछिए कथा व्यास जी से कि किस व्याद पुराण में लिखा है कि स्त्रियों को कथा कहने का अधिकार नहीं है व्यास पे बैठने का। इसमें वेद और शास्त्र की बात नहीं रही, इसमें वेद शास्त्र की कोई बात नहीं है। अगर उनकी बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक विचार हैं, सनातन धर्म की रक्षा करती हैं, तो वो भी कर सकती हैं, कोई इसमें कोई दो विचार नहीं होते। मैं उन नारी शक्ति का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आप भी कुछ कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने जो कहा है कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ क्यों मिलेगा, पूरा क्यों नहीं मिलेगा? अरे पूरा भी जो लेने वाला हो पूरा मिलेगा। अगर छलनी में और गाय दो तो क्या दूध आ सकता है? कदापि नहीं। इसी प्रकार से अगर आप में क्षमता है लेने की, ज्ञान की, तो आपको मिलेगा पूरा पूरा जी। लेकिन यदि हम किसी पुरुष से कथा करवाते हैं तो पूरा लाभ मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं। अगर पुरुष से भी कथा करवाओगे और सुनेगा नहीं, कोई मनन नहीं करेगा, तो वह में पुरुष क्या कर लेगा, क्या स्त्री कर लेगी? इसमें कुछ नहीं, इसमें तो मनन और श्रवण की आवश्यकता है। 9 प्रकार की भक्ति बताई है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य मात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। उसमें लिखा स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सोयत से प्रिय भामिन मोरे, वो मोहत मुझे प्रिय है, बहुत अच्छे हैं, मैं नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ, ये नहीं। ब्याजी ऐसा सवाल कई बार दागा जाता है कि जब महिला रजस्वला से होती है तो उस दौरान कथा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसकी क्या गारंटी रहती है कि वो रजस्वला है कि नहीं? कई बार ऐसे कई तिथि पड़ जाती है। हाँ, इसमें तो बरकाव करना पड़ेगा, बरकना पड़ेगा, इसमें तो जो है सोचना समझने की बात है। इसमें अगर रजस्वला होती है नारी तो उसमें 5 दिन के लिए उनको जो है रोक देना चाहिए भागवत, उनको समय सीमा के अंतर्गत ये देखना चाहिए कि हमारा कितना समय में क्या हो रहा है, क्या होना है, उस समय भागवत कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो आज हमने तमाम सवालों को लेकर मुद्दे छेड़ दिए हैं, लेकिन सवाल अभी भी अधूरा है कि अब तक 28 जो कथा व्यास हुए हैं उसमें किसी भी महिला को स्थान नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा तो सतयुग त्रेता द्वापर तक का में तो प्रमाण है, लेकिन अब प्रमाण नहीं दे पा रहा हूँ क्यों हो रहा है। तो ये सही हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा होगा। तो भगवत गीता का ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन एक तर्क संगत बात तर्क नहीं किया जाता, तर्क तो किया जाता है लेकिन कुतर्क नहीं किया जाता। एक कैंची काटने का काम उसका भी है, कैंची का काटने का काम कपड़ा बन के तैयार हो जाता है, एक काटने का काम चूहे का भी है, जो कहो जेब काट दे, कहो कालर काट दे, तो किसी प्रकार से तर्क तो करना चाहिए लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए, कुतर्क हमारे शास्त्रों में नहीं आया। तो शास्त्रों में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि इस तरीके का कथा कहना चाहिए? अब कहीं तो हो, कहीं होगा तो अब वो जाने, उनकी शास्त्रों में पढ़ा है आपने? आपने नहीं, नहीं मेरे तो यहाँ नहीं कह सकता हूँ, मैं अपने से नहीं कह सकता हूँ कि है कि नहीं है। शास्त्र पढ़े होंगे ना? नहीं, शास्त्र पढ़े हैं। ये भवसागर है,
पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भरता है लेकिन पूरे आकाश को नहीं नाप पाता है। इसी प्रकार से विद्वान भी अपनी उड़ान पूरी भरता है लेकिन पूरे भवसागर को, पूरे वेद शास्त्रों को नहीं जान पाएगा। जी, तो आज हमने तमाम सवालों के लेकर जवाब दिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा बताइए हमें। अयोध्या से हमारे साथ चौधरी अनुराग शर्मा के साथ राजा भैया पाल, नमस्कार। थे पाल ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव पंडोकर धाम। जत्थे बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड भांडर रोड लाहौर जिला भिंड मध्य प्रदेश। यहां पर अल्ट्राटेक्स सीमेंट के सभी ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सीमेंट, गिट्टी, सरिया, रिंग, पाइप एवं बिल्डिंग मटेरियल के थोक विक्रेता है। आज ही संपर्क करें डीलर पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चाना, मोबाइल नंबर 9329624।